नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रोहतक के कटहरिया में ट्रैक्टर के ठक्कर से दो बालक की मृत्यु। सिंधुली स्थित बागमती नदी में बस खसला से चालक के जान गेल। लोकसभा आयोग से स्थानीय तह के लिए कैल गेल विज्ञापन प्रति मुख्यमंत्री राउत के आक्रोश। कानूनी इलाज खोजबाक चेतावनी। महतरी के डारा गांव पालिका चार केवड़ा सदस्य घूस सहित पकड़ायल। स्थानीय जनप्रतिनिधि कानून अपने हाथ में लेबा क्रम नहीं थमल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी भ प्रधानमंत्री ओली स्वदेश घुरलन। शुक्र दिन धूम्रपान रहित दिवस जनचेतना जगाव वाला कार्यक्रम का मनाल गया। अब समाचार विस्तार से। रोहतक के कटहरिया नगर पालिका एक भसेढ़वा स्थित ट्रैक्टर ठक्कर दिला से दूटा बालक के मृत्यु भेल। शुक्र दिन दोपहर ना छ त 3567 नंबर के ट्रैक्टर ठक्कर दिला से गुजरात नगर पालिका छ के 8 वर्षक छोटे लाल ठाकुर आ वही ठामक 12 वर्षक संतोष ठाकुर के मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक। लाल बकैया नदी से बालू लक तीव्र गति में जा रहा ट्रैक्टर साइकिल में सवार दोनों बालक के पाछा से ठक्कर दिला से साइकिल के पाछा बैसल 8 वर्षक छोटे लाल ठाकुर के तत्काल मृत्यु भेल। ठक्कर से गंभीर घायल साइकिल चालक 12 वर्षक संतोष ठाकुर के बीरगंज स्थित हेल्थ केयर अस्पताल में इलाजक क्रम में साँझ में मृत्यु भेल। ठक्कर देने ट्रैक्टर इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया के नियंत्रण में रहल आ चालक फरार रहल। पुलिस जनौलक। सिंधुली स्थित बागमती नदी में बस खसला से चालक के मृत्यु भेल। शुक्र दिन भेल दुर्घटना में बस के चालक रोहतक के चंद्रपुर नगर पालिका एक के 35 वर्षक वीरू राय के मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक। सिंधुली के महेंद्र झाड़ी से सरलाही दिस जा रहा ना 3 ख 66 42 नंबर के बस अनियंत्रित भ बागमती नदी में खसल सल। सिंधुली के हरिहरपुर गढ़ी गाँव पालिका 6 स्थित मोरंगे में बस खसल। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत लोकसेवा आयोग से स्थानीय तह के लिए कैल गेल विज्ञापन प्रति आक्रोश व्यक्त कल। प्रदेश समन्वय परिषदक शुक्र दिन वर्दीवास में भेल बैसार में मुख्यमंत्री राउत संविधान के भावना विपरीत समावेशिता के उल्लंघन करैत आह्वान कैल गेल विज्ञापन स्वीकार्य नहीं होबाक चेतावनी देने। ओ संविधानक धारा 277 में स्थानीय तह के कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकार से कैल जेबाक स्पष्ट व्यवस्था रहल पर ई व्यवस्था विपरीत के गतिविधि विरुद्ध कानूनी इलाज खोज प्रभाग से हो जाता आपने तले नहीं। हमी जुन किसी का इंक्लूसिव ने सुनो पर थो जुन किसी का तेहां चाहिए प्रावधान होने पर थो जो छाई ना आज हमी हमरा बीच में धेरे युवा हरो आइले यहाँ का स्थानीय युवा हरो लाई संघीय लोक सेवा आयोग ले नहीं लिए को परीक्षा में जुन अनुहार आइले चाहिए जिला जिला में हेग रहे का सों जो संविधान को प्रावधान हो संविधानले जुन कुराको व्यवस्था गरेको छ त्यसको कारणले हो आज चाहिँ मेरै मन्त्रालयमा जाने हो भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिले चाहिँ दर्जौ युवा अहिले चाहिँ भर्खर चाहिँ आयोग कम्पिटिसन गराएका छन्। म आज होइन म पटक पटक भन्दै आएको छु संघीयताको अर्थ आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासन यहाँका युवाहरूलाई रोजगारी दिनु बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनु पनि हाम्रो दायित्व हो। मुख्यमंत्री राउत संघीय निकाय सब एक के बाद दोसर करैत अधिकार छिनबाक प्रपंच रचि रहल कहैत स्थानीय जनप्रतिनिधि के मिलकर आगा बढ़ आग्रह सेहो कयलनि। ओ प्रदेश आ स्थानीय तह समन्वय नै कयले धरि विकास निर्माण के काज गति लेबा नै सकबाक सेहो धारणा रखल। उनीहरुलाई रोजगार यहाँ दिने तिर हामी लागेका छ। प्रदेश प्रहरी एन पनि हामी ल्याइ सकेका छौ। लोकसेवा गठन नभएकोले हामीले यसलाई अगाडि बढ्न सकेका छैन किनभने प्रदेश प्रहरी लोकसेवा एकअर्काका पूरक दुवै पूरक दुवै नभइसकेपछि हामी कुनै पनि भ्याकेन्सीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसैले यसमा पनि यहाँहरूको सुझाव आउनु पर्छ कि आज जुन किसिमले संविधानको धारा 227 को प्रावधानलाई मिचेर जसरी अगाडि बढ्दैछ यसमा चाहिँ हाम्रो संघीय सरकारले हामी केही गर्ने होइन हामी मात्र आफ्नो संघीय सरकारलाई र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले हामी सुझावको रूपमा दिने हो कि लोकसेवाले जुन गर्दै आए जुन किसिमको भ्याकेन्सी छ त्यो समावेशी हुन सकेको छैन हामी खुद आफै भर्ना गरेर अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ।
मुख्यमंत्री राउत बजेट निर्माण क्रम में संघीय आ प्रदेश सभा सदस्य सबके सेहो सहभागी कराब स्थानीय तह के प्रतिनिधि सबके आग्रह कयने छ। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश विकासक जिम्मा स्थानीय तह आ प्रदेश सरकार दुनू के रहला से मिलकर बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल धारणा रखने छलखिन। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव वन उद्योग तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश राय स्थानीय तह के प्रतिनिधि सबके समेत सहभागिता छलन। महतारी के एक डरा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के एक वार्ड सदस्य घूस सहित पकड़ा गया है। शुक्र दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीवास के टोली एक डरा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य रामचंद्र राय यादव के ठेकेदार संग 36,000 घूस लेत काल पकड़ लक। वही गांव पालिका के वार्ड नंबर 4 में 10 लाखक लागत में निर्माण भ रहा रहा जानकी धर्मशाला चकवा निर्माण में वार्ड सदस्य यादव ठेकेदार के घूस मंगित निर्माण में अवरोध कल के बाद ठेकेदार 36,000 घूस देव स्वीकार कने। वार्ड सदस्य यादव के घूस रकम सहित जलेश्वर नगर पालिका 1 स्थित सलहेश चौक में रहल किराना दुकान से पकड़ाव कल गया। देश में 3 तरह के सरकार है। तीनों तरह के सरकार से जनता बहुत आस लग बैसल ओहू में सबसे लग में रह वाला स्थानीय सरकारों पर जनता के और बेसी आशा आ भरोसा है। मुदा स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि जनता के आधारभूत समस्या समाधान करना छोड़कर अराजकता मचाव में बेसी ध्यान देखल गेल। एहने कि दबंग जनप्रतिनिधि सब महतरी के स्थानीय तह में सेहो देखल जा रहा है। महतरी से दीपक पांडे के रिपोर्ट। स्थानीय जनप्रतिनिधि बनल अराजक, विकास से बेसी बवाल में व्यस्त, कानून अपने हाथ में ल जनता के पीट पाट, दबंग जनप्रतिनिधि आगा प्रहरी सेहो निरीह। गाम गाम में सिंह दरबार पहुंचेबाक लक्ष्य के साथ देश में स्थानीय सरकारक निर्माण भेल छे। 20 वर्ष बाद निर्माण भेल ई सरकार जनता के काज के सुलभ आ सहज तरीका से संपन्न केनाई के संगे गामे में सिंह दरबारक आभास देवाक विश्वास छल। इहे सोच कर जनता हर्षोल्लास के साथ मतदान क के जनप्रतिनिधि सब चुनने छल। ई जनप्रतिनिधि करीब 2 वर्षक अवधि में गाम गाम में सिंह दरबार आयल अनुभूति कराव त नहीं सकल छे, बल्कि जनता ऊपर और अराजकता मचाब रहल छे। एहने किछ अराजक जनप्रतिनिधि महतरी में सेहो देखल गेल छे। ओ सब कानून के अपने हाथ में ल जनता के भाग्य विधाता बनल छे। स्थानीय चुनाव से अखन धरक बात करी तो महतरी के विभिन्न स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सब जनता ऊपर अराजकता मचाब रहल पाओल गेल छे। मुदा कोनो ठोस कार्रवाई होब नहीं सकला के कारण ओकर सबक मनोबल और बढ़त गेल सर्वसाधारणक कथन छे। समस्या ई छै कि पार्टी पुलिस समाज में ईर्षा दोष के भावना से सब जी रहल है या कह रहल है। कारण टाइट सेहो नहीं छै, प्रशासन के जे है से संलग्नता सेहो नहीं कहीं दिखाई दे रहल है। जथाभावी जनप्रतिनिधि सब जे मन होइ से कह रहल है, वैसे जनता पीड़ित है। अराजकता के श्रृंखला महत्तरी के किछ स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि कानून अपने हाथ में ल अराजकता मचबित आयल छे। किछ दिन पहिने मात्र सामान्य विवाद में जलेश्वर नगरपालिका वड़ा नंबर 5 परसा पतैली के चोड़िया कहल स्थान में वड़ा अध्यक्ष राकेश राउत सहित किछ व्यक्ति वही ठाम के 31 वर्षक वासुकी चौधरी के पीटपाट कयने छल। पीटपाट एहन कि घायल भेल चौधरी के जलेश्वर में इलाज संभव नहीं भेला बाद जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल छे। राकेश, सुशील,
दिलीप उदय राजू इस सब चलिए ओले वो जे आला धुन पहले हाथ राखे से ठीक घायल के छाती आ पेट में अत्यधिक चोट लागल छे। घटना पश्चात उग्र भेल गौवा सब पीट पाट करा वाला में से उदय राय के नियंत्रण में लक प्रहरी के बुझौला पर राय के प्रहरी आवश्यक पड़ला पर उपस्थित करेवा कह के छोड़ देने छे। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रवक्ता डीएसपी खगेंद्र बहादुर खड़का घटना के विषय में विस्तृत अनुसंधान भ रहल आ दोषी के नहीं छोड़वाक दावी क रहल छथि। द्विपक्षीय विवाद होता है तो विवाद चाहिए धारा पढ़ने भयो जिसमें चाहिए अब द्विपक्षीय चाहिए मैंने सर घाइते भय को देखी है जिसमें चाहिए अब एक जना चाहिए अब अभी बड़ी घाइते भर वाला उच्चार कर लाए जनकपुर पचास साल रिफर कर उसे मैंने एक जना ही जिला स्तर में चाहिए उच्चार भय उसे और अन्य सामान्य ने चाहिए इस स्तर में चाहिए अब अनुसंधान भय को सर वास्तव में झड़क किन भयो पत्नी भयो कोसँग के छ मेरो बाजन होइन द्विपक्षीय चाहिँ नि अब पहिने 2074 साल चैत 13 गते के दिन भैंसुर आ भावो बीच अनैतिक सम्बन्ध रहल कहैत सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष महेश राय यादव वही ठाम रहनिहार 55 वर्षक इसराफिल बैठा आ 38 वर्षक सैरुल खातुन के वडा कार्यालय में थुनि कऽ पीटपाट कयने छल। पीटपाट कैल वीडियो सार्वजनिक भेला लगले वड़ा अध्यक्ष किस दिन फरार समेत भेल छल। तहिना 2076 साल बैसाख 21 गते के दिन सोनवा गाँवपालिका वड़ा नंबर 1 रहनिहार सुधा यादव के स्थानीय राजू यादव संग भगाव सहयोग केने कहैत सोनवा गाँवपालिका प्रमुख राजकुमार यादव आ वड़ा अध्यक्ष अशोक यादव वही ठाम रह वाला 16 वर्षक शंकर शाह आ 17 वर्षक सुधीर शाह के हाथ गोड़ बांधि कऽ पीटपाट कयने छल। पीटपाट केल घटना मीडिया में सार्वजनिक भेला पश्चात गाँव पालिका उल्टे मीडिया ऊपर धमकीपूर्ण विज्ञप्ति निकालने छल। तहिना करीब 1.5 वर्ष पहिने पिपड़ा गाँव पालिका वड़ा नंबर 6 वड़ा अध्यक्ष रामदेव हाथी धानक भूसा चोरौने कहैत वही ठाम रह वाला एक दलित महिला के थूक चाटऽ लगौने छल। पीड़ित महिला वड़ा अध्यक्ष हाथी ऊपर जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी में निवेदन दिलो पर किछु नहि भऽ सकल छै। भरखड़े समसी गाँव पालिका वड़ा नंबर 4 अध्यक्ष अजय यादव मदिरा पी कऽ वही ठाम रह वाला लाल बाबू यादव के गारि फेजैत करैत पीटपाट कयने छल। ई त स्थानीय जनप्रतिनिधि सभक आतंकक किछु उदाहरण घटना सब मात्र छै। समय समय में जनप्रतिनिधि पालिका में काज करय वाला विभिन्न तहक कर्मचारी के समेत पीटपाट कर नहि छोड़ने छै। एहन किसिमक बहुत घटना भेलो पर अखन धरि जनता आ कर्मचारी के पिटने आरोप में भंगहा नगर पालिका प्रमुख संजीव शाह एकडारा गाँव पालिका वड़ा नंबर 2 अध्यक्ष अजय यादव सहित 3 जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता कैल गेल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के तथ्यांक में लिखल छै। यही जिला प्रहरी कार्यालय में हामीले 3-4 मुद्दा हामीले दर्ता गरेका छौं। हामी मेयर यहाँका चाहिँ स्थानीय मेयर के अरे एक ठाउँ मेयर साहबमा सबै हामी मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यस्तो छैन कि स्थानीय निकायको कार्यकारी हुने बित्तिकै मुद्दा दर्ता हुँदैन भन्ने कुरा होइन। जो चाहिँ नि घटनामा सम्बन्ध हुन्छ त्यसरी चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी सम्बन्धी एक जाहेरी आइपऱ्यो त्यसरी चाहिँ निवेदन आइपऱ्यो भने पक्कै पनि सुझाव हुन्छ। महोत्तरी में जनप्रतिनिधि सब द्वारा अराजकता भ रहल बात बाहर एलो पर अनुगमन क के कार्रवाई करय वाला निकाय सब मौन भ के बैसल छै। जनता ने इसलिए भरोसा करेगा अति व्यक्ति को लाइसेंस के मिला होना लाइसेंस राख सकता राख सकता कुछ समस्या को समाधान मार्ग छेन उदात्मक छेन आध्यात्मिक छेन समस्या के समाधान आपसी कौशल समन्वय का सहकार समस्या के समाधान कर कौशल को निर्माण हमें कर सकता यदि हम तो कौशल सकते समाज हिंसक होना जान समाजमा घटनाहरू बढ्दै जाने हो। त्यस कारण हामी सबैले सबभन्दा बढी त हामी निर्वाचित जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छौँ कमजोर कानून के कारण जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनते उपर करैत आयल ई अराजकता कहिया धरि चलैत रहत। महोत्तरीसँ दीपक कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट। सप्तरी के राजविराज में दुट्टा दुकान में बृहस्पति के राति चोरी भेलैछ।
साझे से वर्षा संगे आयल अन्हर बिहार के कारण सवेरे दोकान बंद क दोकानदार सब घर गेल समय मुख्य बाजार के दुटा दोकान में चोरी कैल गेल छ। राजविराज सात स्थित लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स आ वही समीप रहल पूजा पान भंडार में सेहो चोरी के घटना में नगद 25,000 मोबाइल और सर सामान लगाकर करीब 3,10,000 के चोरी भेल बताओल गेल छ। रविन्द्र चौरसिया से संचालित पान दोकान तोड़ के पहिने हुनक दोकान में चोरी केना तक बाद भित्री देवाल फोड़ के बेच उदास संचालन केने इलेक्ट्रॉनिक्स दोकान में चोरी केने पाओल गेल डीएसपी भावेश श्रीमाल बतौलन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सड़क खंड अंतर्गत पतलैया निजगढ़ सड़क में शुक्र दिन एक बस में लूटपाट कैल गेल छ। मोटरसाइकिल में आयल अज्ञात व्यक्ति सब नाश 7X2790 नंबर के बस के यात्रु के गरिमाई जाए वाला रास्ता समीप लूटपाट केने पुलिस जनौलक। बस के कंडक्टर संग से लुटेरा सब 45,000 नगद आ एक सेट मोबाइल लूटने लूटपाट में संलग्न एक गोटे के पुलिस पकड़लक। पकड़ाल में सिंदुली के मरिंग गांव पालिका घर भेल आ एखन निजगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 8 रहित आयल 26 वर्षक संघर्ष थिंग रहल अछि। लूटपाट में संलग्न और फरार रहल आ ओकरा सबक खोजी भ रहल पुलिस जनौलक। प्रहरी निरीक्षक लामा जानकारी देलनि लुटेरा सब बस के यात्रु सबके किछु नहीं केने पुलिस जनौलक। धनसाक सहित नगरपालिका सेवाग्राही के सुविधाक लेल दू थान साउन वक्स जिला प्रशासन कार्यालय धनसा के स्थानांतरण कैलक। सेवाग्राही के संख्या बढ़नाय तथा हुनका सबके भोग पड़ल समस्या के मद्देनजर करैत शहीद नगरपालिका के मेयर उदय कुमार भरभरिया जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा आ इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकाहाक लेल दू थान साउंड बॉक्स हस्तांतरण कैलन अछि जाहि में माइक समेत अछि। विभिन्न ठाम सँ नागरिकता लगायत विभिन्न काज के लेल आबय वाला सेवाग्राही सबक समस्या के ध्यान में राखि कऽ साउंड बॉक्स जिला प्रशासन कार्यालय के बुझौने शहीद नगरपालिका के मेयर भरभरिया जनतब रखने हित के लागि अहाँ सबके जे समस्या होइ है पटक पटक हम एहिठाम अबै छी देखै छलियै। एहिठाम हमरे जनता सम्पूर्ण शहीद नगर कही या सम्पूर्ण जिला जिलावासी हमरे अहाँके जनता छै सब कोई दाजू भाई छै। दाजू भाई के काम में कोनो समस्या नहीं अबै तऽ देखै छियै बहुत भीड़ भाड़ रहै। सी डी ओ साहब के एकटा वॉइस या समर्थन के एकटा वॉइस वही काफी रहै छै। कर्मचारी जाइ छी कर्मचारी कहियो काल अलझा देत सी डी ओ साहब एक बाजी ऊपर से बाजत तऽ ओ काम सहज तरीका से होत से बेसी बात हमसब बाधा वाला नहीं छी। अहाँ सब जनबे करै छी हमसब बाधा वाला नहीं छी। हमरा अहाँके सी डी ओ साहब सेहो बाधा वाला नहीं हमसब काम करके देखाबै वाला छी। बाकी दिन सेहो काम करके देखायब सी डी ओ साहब नंबर वन करल जा रहल अइ। सी डी ओ साहब के सहयोग हमसब अहाँके हर पल करबै करते रहबै और यहाँ बढ़िया काम में सहयोग करबै नगर के हित में देश के हित में प्रदेश के हित में काम हमसब बढ़िया। सेवाग्राही के अत्यधिक संख्या रहल धनसा जिला प्रशासन कार्यालय के व्यवस्थित आ सेवाग्राही मैत्री बनाब विभिन्न किस्म के सुधार के काज होइत आयल अछि। साउदी में मृत्यु भेल धनुषा हंसपुर के जिंदल मंडल के परिवार के हेल्प मदेशी साउदी 81,000 रुपया आर्थिक सहयोग कैलक। हंसपुर वार्ड नंबर 2 में शुक्र दिन हेल्प मदेशी के पदाधिकारी सब मंडल के परिवार के 81,000 रुपया के चेक हस्तांतरण कैलक। हेल्प मदेशी 51,000 आ हेल्प मदेशी साउदी अरब के अलतुरैफ दलानक दिस सँ 30,000 रुपया 30,500 सहयोग रकम जुटाओल गेल अछि। ओवरसियर अध्ययन कयने 22 वर्षक जिंदल मंडल के 3 महीना पहिने वैदेशिक रोजगारक सिलसिला में साउदी गेल समय मृत्यु भेल छल। मंडल के साउदी गेल 7 दिन में मृत्यु भेल छल। विपन्न परिवार के सहयोग करबाक सामाजिक दायित्व अनुसार मंडल के परिवार के सहयोग कयने हेल्प मदेशी के अध्यक्ष राम हृदय यादव बतौलने अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी भा प्रधानमंत्री ओली स्वदेश घुरलन। शुक्र दिन धूम्रपान रहित दिवस जनचेतना जगाबे वाला विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल। आ प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में एपीएफ के लगातार 3 जीत गंडकी प्रदेश के 6 विकेट से पराजित कल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी भएर स्वदेश घुरलने। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी भएर शुक्र दिन स्वदेश घुरल छथि। ओ काल्हि भिनसर मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होब भारत प्रस्थान कयने छलनि। प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल गृहमंत्री राम बहादुर थापा पूर्व सभामुख सुभाष चंद्र नेवांग लगायतक सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय स्थल में
त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उनका स्वागत कने छलन। अय अवसर पर प्रधानमंत्री ओली के नेपाली सेना सलामी सेहो अर्पण कने छल। प्रधानमंत्री ओली स्वदेश घूर आगासुकर दिन भिनसर हैदराबाद हाउस में भारतीय समकक्ष मोदी संग भेटवार्ता से होकर चलें। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ओली सहित विमिस्टेक सदस्य राष्ट्रसभा राष्ट्र प्रमुख आ सरकार प्रमुख सभक सहभागिता चलें। नेकपाक संदिन के लिए बजाओल गेल विचार दू दिनाक घुसकाओल गेल। पोलिट ब्यूरो तथा विभाग सब गठन करबाक योजना सहित शनि दिन के लिए बैसार बजाओल गया। अध्यक्ष द्वय के पी शर्मा ओली आ पुष्प कमल दहाल प्रचंड बीच के सहमति में बैसार सोम दिन के लिए घुसकाओल गया। लंबा समय से गठन होब नहीं सकल। पोलिट ब्यूरो आ विभाग गठन के विषय में परामर्श कल जेबक लेल समय नहीं पुगला के कारण से और परामर्श के लिए बैसार सचिवालय बैसार दू दिन आगा घुसकाओल गया बताओल गया। प्रधानमंत्री ओली के भारत भ्रमण के कारण अध्यक्ष द्वय बीच वृहत परामर्श नहीं भेल। नेपाली कांग्रेस सैद्धांतिक अंतर विरोध के जग में बजट आयल प्रतिक्रिया दिलक। कम्युनिस्ट दर्शन के शास्त्रीय मनोविज्ञान आ लोकतांत्रिक संविधान के वस्तुगत यथार्थता बीच चलित अपने कथन में खंडित करते सरकार से बजट आनल गेल कांग्रेस जनौलक। कांग्रेस शुक्र दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन कक बजट ऊपर के औपचारिक धारणा सार्वजनिक कलक। पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जनता के ठकब पुराने कार्यक्रम आनल गेल आ बीतल साल के बजट से सदुपयोग होब नहीं सकल धारणा रख लेने। यो बजेट आउँदै गर्दाखेरि कस्तो परिदृश्य में आएको छ भन्ने कुरा मुख्य रूप में संक्षिप्त टिप्पणी गर्नु त्यस उपर उपयुक्त हुन्छ। सामान्यतया हामीले सरकारले एउटा बजेट लिएर आउँछ र प्रतिपक्षीले त्यस उपर केही फरक मतहरू राख्दै गर्दाखेरि फरक मतका लागि फरक मत राख्ने गरेको छ भन्ने परम्परागत विश्लेषणहरूलाई केन्द्रमा राखेर बुझ्ने गर्छौँ। तर हामी निश्चित तथ्यमा आधारित भएर हामी सरकारको बजेटलाई हेरिरहेका छौँ। त्यसैले सुरुवातमै तीनवटा तथ्यलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। पहिलो, यो बजेट काम चलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थाको सरकारको बजेट होइन। कांग्रेस दू तिहाई के सरकार के क्षमता बजट में नहीं देखल गेल टिप्पणी कलक। निर्वाचन के समय तत्कालीन दू कम्युनिस्ट पार्टी जनता के देखौने सपना आ बजट के यथार्थता अलग अलग भेल कहत कांग्रेस। 5 वर्ष में सपना के 10% मात्र लक्ष्य प्राप्त भेल संकेत आ संभावना बजट में नहीं देखल गेल टिप्पणी कलक। इसी अगाड़ी जाँदै गर्दाखेरि सरकार का सामुन्ने काम चलाउ प्रकृति को बजेट लिएर आएर जेठ 15 गुजार्ने भन्ने खालको सुविधा थिएन। नवीन कार्यक्रमहरू, दुर्गामी लक्ष्यहरू र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी यो बेलामा मुलुकले गरेको थियो। तर बजेट मार्फत त्यो आँट र त्यो क्षमता बितल वर्ष के बजेटमै आनल गेल। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभाव शून्य भेल। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युवाके शैक्षिक प्रमाणपत्र बन्की रहेको 5% ब्याज अनुदानमा 7 लाख धरि कर्जा उपलब्ध गराएको व्यवसायी बनेवा कहल गेलो पर ओके प्रभावकारी कार्यान्वयन होब नै सकल कांग्रेस दावी कलकै। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सरकार के निर्देशन पालना नहीं करवा निर्माण व्यवसायी के कार्रवाई करवाक चेतावनी दिलक। मंत्री महासेठ काज में विलंब के निहार निर्माण व्यवसायी सबक ठेक्का समझौता खारिज करवाक प्रक्रिया के अगाड़ी बढ़ाओल गेल से हो जानकारी दिलने। शुक्र दिन संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में हो काज में विलंब के निहार निर्माण व्यवसायी सबके सचेत कराब 7 दिनक आ 15 दिनक सूचना जारी कल गया से हो स्मरण कर। त्यस्तो प्रकारको निर्माण व्यवसायहरूलाई हामीले अब कारवाहीको प्रक्रियामा लगिसकेका छौँ। धेरै अब यहाँहरूले हेर्नुभयो भने धेरै नोटिसहरू हामीले दिइसकेका छौँ। कसैलाई 15 दिनको नोटिस सकेर अब 7 दिनको नोटिस आएको छ। यदि उहाँहरूले 7 दिनभित्र पनि आफूले लिएका ग्राहक एन अन्तर्गत सम्झौता गरेका कामहरू पुरा गर्नु भएन भने यो अब टर्मिनेसनमा जान्छ, खारेज हुन्छ। खारेज भइसकेपछि अब यो कुन प्रक्रियामा जान्छ, कालो सूचीमा जाने हो कि अरू कुनै सूचीमा जाने हो कि, त्यो प्रक्रिया विभागले सुरु गरिसकेको छ। र अब म यहाँहरूलाई मान्य
मन्त्री महाश्रेष्ठ राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना सभाक निर्माणका चार वर्षभित्र सम्पन्न करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। मध्य पहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गकै निर्माण काज चार वर्षभित्र सम्पन्न करबाक उद्देश्य लगा काज आगा बढाओल गेल मन्त्री महाश्रेष्ठकै दावी अछि। र भौतिक पूर्वाधार त तयार गर्न मन्त्रालयले पनि त्यसैलाई आत्मसात गरेर 79-80 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्री महाशेठ मध्य पहाडी राजमार्ग 133 पुलमेस 70 निर्माण काज सम्पन्न कयल गेल तथा हुलाकी राजमार्ग 219 पुलमेस 80 निर्माण काज सम्पन्न कयल गेल सेहो समितिके जानकारी करौलक अछि। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि कर्मचारी सबसँ बन्द हड़ताल कर नहि मिलबाक कानूनके व्यवस्था कर सरकारसँग माग कयलक अछि। प्रतिनिधि सभाके सांसद प्रेम सुवाल अपन तलब सहितक सेवा सुविधा प्राप्तिक लेल सेहो बन्द हड़ताल करयवला काज कर्मचारी सबसँ भऽ रहल कहैत एना होबय नहि देबय लेल कानून व्यवस्था कर सरकारसँग माग लेने छै। शुक्र दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिके विचारमे संघीय निजामती सेवाके गठन सञ्चालन आ सेवा सत् सम्बन्धमे व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक उपरके परामर्शमे भाग लैत हो राज्यके सेवा सुविधा लऽ कऽ बैसल कर्मचारी सब जनताके सेवा केनाइके बदला हड़ताल कऽ कऽ बैसा नहि मिलबाक तर्क समेत रखने छलनि। प्रतिनिधि सभाक दोसर सांसद धीरेन्द्र प्रसाद बडु प्रदेश आ स्थानीय तहमे समायोजन भऽ कऽ आयल कर्मचारी सबके सेहो संघमे सरुआ भऽ कऽ अयबाक व्यवस्था कर सरकारसँग आग्रह कयलनि अछि। विचारमे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित प्रदेश आ स्थानीय तहमे समायोजन भऽ कऽ गेल सब कर्मचारी सभक सरुआ हेबाक व्यवस्था कयल गेल धारणा रखलनि अछि। मंत्री पंडित कर्मचारी सबके देल गेल जिम्मेवारी पूरा करय सेहो सचेत करौने छलनि। संघीय संसदक उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सेफ गार्ड एंटी डंपिंग तथा काउंटर लेविंग सम्बन्धमे व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक सुझाव सहित पारित कयलक अछि। समितिक शुक्र दिन सिंह दरबारमे बैसल बैसारसँ ई विधेयक सुझाव सहित पारित कयलक अछि। सम्बन्धित निकायके सुझाव सहित ई विधेयक पारित कयल गेल। समितिक सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव जानकारी देलनि अछि। आयातित वस्तुके कारण स्वदेशी उद्योगके भेल नोकसानी न्यूनीकरण करबाक लेल कानूनी व्यवस्था करय सरकार ई विधेयक अनलक अछि। विधेयकमे स्वदेशी उद्योगके नोकसान पहुँचबैत आयल कोनो वस्तुके आयात भेलापर ओहिके रोक भन्सारमे अतिरिक्त महसूल लगेबाक एहन वस्तुके आयातमे पूर्ण अथवा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगेबाक प्रावधान राखल गेल अछि। स्वदेश उद्योगके हितके लेल अति आवश्यक ई विधेयक समिति आवश्यक परामर्श कऽ कऽ पारित कयलासँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव समिति प्रति आभार व्यक्त कयने छलनि। मन्त्री यादव ई विधेयक स्वदेशी उद्योगी सभक हित प्रवर्धनमे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली नेपालक पर्यटन क्षेत्रमे लगानी करय वैदेशिक लगानीकर्ता सबके आह्वान कयलनि अछि। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली सरकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घक दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल करैत नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनेबाक तैयारी कऽ रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। काठमाडौँमे शुक्र दिनसँ शुरू भेल एसिया रेसिलियन्स समिट 2019 के उद्घाटन करैत नेपालके भूगोल जैविक तथा सांस्कृतिक सम्पदा सभक महत्व उजागर कऽ कऽ देशके समृद्ध बनेबाक संकल्प सरकार लेने सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली नेपालमे राजनीतिक स्थायित्व कायम भेलासँ आब विकास निर्माणक काजके तीव्रता मिलबाक सेहो धारणा रखने छलनि। टुरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट इन सेप्टेम्बर 2019 That summit will give more opportunity to explore the areas of tourism sectors available for investment. Nonetheless, to say we are always... राष्ट्रमन्त्री गेवाली सरकार वैदेशिक लगानीके लेल आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत आधार तयार कयने दावी समेत कयलनि अछि। सम्मेलनसँ नेपालमे वैदेशिक लगानी आना महत्वपूर्ण योगदान देबाक सेहो मन्त्री गेवालीके विश्वास छलनि। अपन निजमे फेरसँ किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद शुक्र दिन धूम्रपान रहित दिवस जनचेतना जगाबयवला विविध कार्यक्रमके मनाओल गेल। आ प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामे एपीएफके लगातार तेसर जीत, गण्डकी प्रदेश 6 विकेटसँ पराजित।
पुनः स्वागत है सपन न्यूज में आपने बाकी समाचार। धूम्रपान नहीं कर आह्वान करेत नेपाल विश्व धूम्रपान रहित दिवस मनाओल गए। यह अवसर पर शुक्र दिन काठमांडू में विभिन्न स्वास्थ्य संस्था सब के अगुवाई में प्रभात फेरी कार्यक्रम के समेत आयोजन कैल गए। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप से शुरू भेल प्रभात फेरी शहीद गेट वीर अस्पताल रत्न पार्क होइत फेर से भ्रिकुटी मंडप में पहुँच कर समापन कैल गए। समापन कार्यक्रम के संबोधन करेत नेपाल अर्बुद रोग निवारण संघ के अध्यक्ष दिवाकर राजकर निकार धूम्रपान नियंत्रण के लिए हरेक के प्रयास करा आह्वान कलने और धूम्रपान से कैंसर जेहन प्राणघातक रोग लगला से धूम्रपान नियंत्रण के लिए घर घर से प्रयास करा आवश्यक रहा से स्पष्ट कलने। चिकित्सक सब धूम्रपान नियंत्रण के लिए एकर उत्पादन ने बंद करबाक प्रयास कर से समुदाय के आह्वान करते आये विस्थापित गर्नु परेको छ घरमा यसलाई नियन्त्रण गर्नु परेको छ त्यसपछि घरबाट त्यसपछि कम्युनिटीमा अनि त्यसपछि हाम्रो जिल्लामा अनि देशव्यापी रूपमा यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ। प्रभात फेरीमा स्वास्थ्यकर्मी कलेज तथा विद्यालय तहके विद्यार्थी सबक निक सहभागिता रहल छल। ओ सब विभिन्न जनचेतनामूलक सन्देश लिखल प्ले कार्ड सेहो प्रदर्शन कयने छल। नेपालमा हरेक वर्ष धूम्रपानी के कारण सब 25,000 से बेसी के जान गेल तथ्यांक से देखाओल जाइत अछि। एहिके नियंत्रण के लिए सरकार कानून निर्माण केलो पर कार्यान्वयन प्रभावकारी तरीका से होब नहीं सकल। विश्व धूम्रपान रहित दिवस के अवसर पर जनकपुर धाम स्थित दामोदर एकेडमी के छात्र छात्रा जनचेतनामूलक सड़क नाटक कलक। एकेडमी के विद्यार्थी सब शुक्र दिन धूम्रपान तथा तम्बाकू से भ रहा स्वास्थ्य में नुकसानी तथा समाज में सकारात्मक संदेश देवक लक्ष्य से सड़क नाटक कैल गए। नाटक में विद्यालय के कक्षा 6 से 9 धर के विद्यार्थी सब भाग लेने। विश्व के धूम्रपान रहित बनाव तथा स्वास्थ्य संदेश फैलाव सड़क नाटक कैल गए। एकेडमी जनौलक हरेक वर्ष May 31 के दिन विश्व धूम्रपान रहित दिवस मनाओल जाते। मेलमसी खाने पानी विकास समिति तत्काल पीड़ित निर्माण व्यवसायी सबक भुगतानी कर नहीं सकबाक जवाब दिलक। CMC कंपनी से पीड़ित निर्माण व्यवसायी सब अपन डूबल अरबों के रकम तत्काल उपलब्ध कराब सरकार के दबाव दे रहा समय मेलमसी खाने पानी विकास समिति तत्काल भुगतानी कर नहीं सकबाक स्पष्ट कलक। समिति कार्यकारी निर्देशक सूर्य राज करेल शुक्र दिन काठमांडू के पीड़ित पक्ष सब संगे के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में कानूनी प्रक्रिया नहीं भेला से तत्काल ई भुगतानी देव सकबाक अवस्था नहीं रहल स्पष्ट कलने। आयोजनाक बोर्ड से अध्ययन समिति बनाकर पीड़ित पक्ष के भुगतानी के लिए अध्ययन करबाक निर्णय क आवश्यक निर्णय के लिए खाने पानी मंत्रालय में भेजल गेल से समिति जनौलक। CMC कंपनी मेलमसी खाने पानी आयोजनाक काज जहिनाक तहिना छोड़ कर भगला के बाद अ आयोजना के विकास निर्माण काज में संलग्न 50 गोटे से बेसी निर्माण व्यवसायी सब समस्या में पड़ल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 खेल के प्राथमिकता दैत क्रिकेट खिलाड़ी सबके खेल सामग्री वितरण कलक। जनकपुर धाम के क्रिकेट जेहन खेल में आगा ल जाए के लिए सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य से वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव श्री राधाकृष्ण क्रिकेट टीम के कप्तान राजीव यादव के खेल सामग्री हस्तांतरण कलक। वार्ड अध्यक्ष यादव वार्ड के खिलाड़ी सबके जनकपुर धाम में होबय लागल मेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में सेहो सहभागी करेबाक उद्देश्य के संग क्रिकेट सामग्री सब वितरण कने जनौलक। वार्ड कार्यालय से राधाकृष्ण सार्वजनिक क्रिकेट टीम के जे विनियोजित अगाड़ी से छे अहाँके वार्ड स्तर में जो खेलकूद के सामग्री सब खिलाड़ी सबके उपलब्ध कराबे के बात हमसे योजना में रखने रही कि खेलकूद के विकास वाला कार्यक्रम सेहो राख पड़े तो अवस्था में हम सब योजना अनुसार खिलाड़ी सबके इससे पहले ही हम सब एक दिन खेल देखे लगी तो हम सब देखली खिलाड़ी सबके कतौ ने कतौ सामग्री सब खेल वाला बैट बॉल विकेट कैप ये सब नहीं रहे तो हम सब ओहिठमन हम वाचक कैल रही कि ये टीम क्रिकेट टीम के तो सब बढ़िया से खेल और खेलकूद में जो सामग्री देव पड़ती हम सब वार्ड सब प्रोवाइड कर देव देव से कह के हम सब रही कह के आयल। अध्यक्ष यादव वार्ड भीतर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के हौसला बढ़ावक लेल एहन सहयोग जारी रखबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौने छलथि। प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विभागीय टीम APF लगातार 3rd जीत निकाल सफल भेल अछि। शुक्र दिन भेल खेल में APF गंडकी प्रदेश के 6 विकेट से पराजित कलक अछि। जीत संगे APF समूह A सेमीफाइनल में प्रवेश कयने अछि। मूलपानी मैदान में टॉस हारि के पहिने
बैटिंग के न्यौता पाने गंडकी प्रदेश 41 ओवर दुबल में 125 रन में ऑल आउट भ गेल छल। 44 रन बनबैत 6 विकेट गुमाने गंडकी के कोनो खिलाड़ी बीच नीक साझेदारी हो नहीं सकल छल। बॉलिंग में एपीएफ के भुवन कार्की 3 तथा यज्ञमान कुमार, अमर सिंह रोटेला आ शरद भेसवाकर दू दू विकेट लेने छलन। जवाब में एपीएफ ओवर में 4 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा कने छल। उपाधि के दावेदार एपीएफ के जीत में प्रदीप एरी 33 तथा आसिफ शेख 20 रन बनौने छल। कप्तान शरद भेसवाकर अभिजीत 26 रन बनाकर सफल रहलन। तहिना सुमित महर्जन 9 रन जोड़ सफल भेल छलन। आब एपीएफ समूह विजेताक लेल अंतिम खेल खेलत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर सँ। रौथट के कठहरिया में ट्रैक्टर के ठक्कर से 2 बालक के मृत्यु। सिंधुली स्थित बागमती नदी में बस खसला से चालक के जान गेल। लोकसभा आयोग से स्थानीय तह के लिए कैल गेल विज्ञापन प्रति मुख्यमंत्री राउत के आक्रोश। कानूनी इलाज खोजबाक चेतावनी। महतरी के डारा गांव पालिका 4 के वार्ड सदस्य घूस सहित पकड़ायल। स्थानीय जनप्रतिनिधि कानून हाथ में लड़ रहल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी बा प्रधानमंत्री ओली स्वदेश घुरलन। आ शुक्र दिन धूम्रपान रहित दिवस जनचेतना जगावे वाला विविध कार्यक्रम के मनाओल गेल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।